स्टार प्लस के पॉपुलर शो नामकरण में व्यूवर्स देखने वाले हैं कि श्वेता का दिल आखिर बदल गया है और श्वेता फाइनली चाहती हैं कि नील और अवनी एक हो जाएं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि श्वेता आकर अवनी से माफी तक मांगने वाली हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि हाल ही के एपिसोड में आपने देखा है कि किस तरह से नील, जूही और अमोल मिलकर किस तरह से गुरु माँ का पर्दाफाश करते हैं और वहाँ से अवनी को छुड़ा कर ले आते हैं। अब जब नील और अवनी एक साथ वापस आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अवनी को काफी अनकम्फर्टेबल फील होता है नील के साथ में, क्योंकि अवनी ये बात भुलाई से भी नहीं भूलती कि नील कभी जूही से प्यार किया करते थे। अब इसी बात को लेकर अवनी काफी ज्यादा परेशान है और उदास भी है, लेकिन अवनी की ऐसी उदासी श्वेता से नहीं देखी जाती, तो श्वेता अवनी के पास आकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है और साथ ही श्वेता अवनी को ये समझाती है कि नील और अवनी दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब श्वेता की ये सारी बातें सुनकर अवनी भी शॉक हो जाती है, साथ ही श्वेता अवनी से अपने सारे किए के लिए माफी भी मांगती है, और इसके अलावा श्वेता कहती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए नील और अवनी को एक साथ ही देखना चाहती है। वो चाहती है कि दोनों अपनी लाइफ में खुश रहें। अब श्वेता के बिहेवियर से अवनी काफी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन अब शो के आने वाले सीक्वेंस में देखना बाकी दिलचस्प होगा कि क्या जूही नील और अवनी को एक बार फिर से शादी करने देंगी या नहीं। आपको क्या लगता है, शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।